नमस्कार, स्वागत है आपका मगरानी राजस्थान पर। मैं हूँ सिंह की आवाज। तो चले डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल में एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र ढकोसला पत्र कहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरह इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, ढकोसलों से भरा होता है। इसलिए इस घोषणा पत्र को घोषणा पत्र नहीं बल्कि ढकोसला पत्र कहना चाहिए। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों के मरने पर दीदी को हुआ दर्द। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल के विकास के लिए ब्रेकर है। पीएम किसान योजना पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों के परिवार के विकास पर भी ब्रेक लगा दिया है। दीदी तो दीदी ही है। राफेल के बाद भारत खरीदेगा अमेरिका से 24 MH-16 हेलीकॉप्टर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने विदेश सैनिक बिक्री कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-16 हेलीकॉप्टरों की बिक्री को मंजूरी दी है।